साउथ का एक वन ऑफ द लीडिंग सुपरस्टार ऐसा है जो पारस मणि की तरह हो गया है। जिस भी सुपरस्टार की मूवी फ्लॉप होती है उनको अपने कैरियर को रिवाइव करने के लिए इस एक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है, और ये एक्टर जिस मूवी पे काम करता है, भले वो हीरो का रोल हो, विलन का रोल हो, साइड आर्टिस्ट हो, ट्रांसजेंडर हो, उसकी मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाती है और वापस उनके कैरियर में चार चांद लग जाते हैं। फिर चाहे वो रजनीकांत हो या कमल हसन, आर माधवन हो या शाहरुख खान, सबको इस एक्टर की जरूरत पड़ती है। आखिर इस एक्टर में ऐसा है क्या जो हर एक्टर की किस्मत बदल देता है, इस वीडियो में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि एसआरके की जवान से इसका एंगल क्या है। बट उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोज आपके पास रेगुलर बेसिस पर पहुंचते रहें। तो बात करते हैं उस एक्टर की जिसने बड़े बड़े स्टार्स को स्टार बनाया है, और वो किसी भी एक्टर की स्किन में ऐसे घुसता है जैसे लगता ही नहीं वो सुपरस्टार है। यानी एक ही टाइम पर वो विलेन भी है, हीरो भी है, सिंघम भी है, पुष्पा भी है, ट्रांसजेंडर भी है और विक्रम भी है। आई गेस आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट विजय सेतुपति। बहुत ही छोटे मोटे रोल करके उठाई एक्टर आज तमिल का नहीं पूरे इंडिया का सुपरस्टार बन चुका है। यहाँ तक कि एसआरके जब अपनी मूवी जवान के लिए कोई बड़ा एक्टर ढूंढ रहे थे अपने अपोजिट, तब उनको विजय सेतुपति ही मिला। आखिर विजय सेतुपति को क्यों साइन किया गया, इसके पीछे भी बहुत सारी लकी चार्म वाली वजह है। विजय की मास्टर हो या फिर एसआरके की जवान, इन सारी फिल्मों में जहां जहां उनको रोप इन किया जाता है उस मूवी से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। बिकॉज जो हमारे विजय सेतुपति हैं वो किसी भी किरदार में चौंका देते हैं और हमेशा बहुत ही ट्रेडिशनल किरदारों से बचते हुए वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल रोल में नजर आते हैं। जैसे कि अभी वो बॉलीवुड में कैटरीना कैफ के अपोजिट लीड रोल प्ले करने वाले हैं। समझिए तमिल का एक्टर कैटरीना कैफ के अपोजिट साइन किया जा रहा है तो उसकी क्या डिमांड रही होगी। इसके अलावा अभी हाल में जो तमिल मूवी विक्रम ने कमाई के नए नए रिकॉर्ड तोड़े, उसकी कामयाबी में भी विक्रम के साथ हमारे सुपरस्टार विजय सेतुपति का हाथ है। और कह सकते हैं रजनीकांत के बाद, आर माधवन के बाद, मास्टर के बाद कमल हसन की नैया भी पाल लगाने में काफी हद तक विजय सेतुपति की कंट्रीब्यूशन है। तो इस एक्टर की खासियत यह है कि वो किसी भी किरदार में दे दीजिए आप, जैसे पेटा में रजनीकांत के अपोजिट जरूर थे बट नवाजुद्दीन के बेटे बने थे, वो भी बनारसी हिंदू, यानी एक छोटा मोटा रोल था गुंडे का बट उन्होंने बहुत बखूबी किया। विक्रम में तो उनकी एक्टिंग देखकर अच्छे अच्छे लोगों के दादो तले उंगलियां दबा ली, बिकॉज विक्रम में वो बिल्कुल मैजिकल परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं। मास्टर में तो विजय वर्सेज विजय का सीन था, जहां पर दोनों एक्टर वर्सेज में आए थे, वहां पर भी विजय सेतुपति ने विजय को बहुत टक्कर दी थी और बड़े स्टार्स के बीच में उनकी प्रेजेंस हमेशा याद रहती है। ऐसे में एसआरके को लगता है क्यों ना इसी एक्टर पर दांव लगाया जाए और बॉलीवुड के साथ साथ साउथ की ऑडियंस को भी अपने पाले में कर लिया जाए, इसीलिए विजय को राजी किया गया है। हालांकि विजय को राजी करना बहुत इम्पॉसिबल टास्क है, बिकॉज जब तक उनको स्क्रिप्ट मजा नहीं देती है तब तक वो उसमें कास्टिंग में आते नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा को भी रिजेक्ट कर दिया था, और तो सलमान खान की कभी कभी दीवारी जो कि भाईजान के नाम से बन रही है उसे भी रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ द वीक रोल। अब उसी रोल को सलमान खान के साथ वहां के जगपति बापू कर रहे हैं जो कि एडिशनल एक्टर हैं। सो विजय सेतुपति बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही एक्सपेरिमेंटल, बहुत ही डिमांडिंग एक्टर है। हर बड़ा सुपरस्टार चाहता है कि उनके अपोजिट विजय सेतुपति हों। इसके दो फायदे हैं, एक तो उनकी जो फैन फॉलोइंग है उसको मूवी को फायदा होता है, और विजय कभी भी स्टारडम के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। विजय के बारे में कहा जाता है कि जब भी उनकी मूवी की शूटिंग खत्म होती है वो दो दो तीन तीन घंटे स्टेज पर अपने लोकेशन पर रुकते हैं ताकि हर फैंस के साथ एक एक फोटो खिंचवा सकें। तो फैंस के बीच में उनकी बहुत डिमांड है, कलेक्शंस उनकी फिल्मों के हमेशा अच्छे होते हैं। बॉलीवुड में उनका डेब्यू काफी टाइम से पेंडिंग है, हालांकि उनकी काफी सारी फिल्में हिंदी में डब होकर आई हैं, जैसे विक्रम बेदा हमने देख चुके हैं, बेटा देख चुके हैं। इसके अलावा उनकी जो हैप्पी क्रिसमस आ रही है श्रीधर राघवन के साथ कैटरीना कैफ के अपोजिट, वो एक बड़ा सरप्राइज होगी। प्लस एनाबेल सेतुपति जो आई थी हिंदी में एनाबेल राठौर के नाम से, उसमें विजय सेतुपति थे। इसके अलावा मुंबई का एक मूवी है विक्रांत मेसी के साथ, वो भी ओटीटी पर आ रही है, बट जो बड़ी मूवी होगी वो हमारी होगी हैप्पी क्रिसमस, बिकॉज यहाँ पर वो कैटरीना कैफ के अपोजिट साइन हुए हैं। तो बहुत सारी डिमांड है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, और उम्मीद करते हैं विजय सेतुपति की जो जर्नी है इतनी कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेरिमेंटल रहे और हमें बार बार विक्रम की तरह, विक्रम वेधा की तरह, पेटा की तरह, जवान की तरह चौंकाती रहे, और जैसे बाकी एक्टर्स का भला किया है एसआरके का भला भी कर सकें। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। प्लीज चैनल में पहली बार आए तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपकी विजय सेतुपति की मोस्ट फेवरेट मूवी कौन सी है।